यार अच्छे रुक जाओ भाई, रुक जाओ यार। मतलब अब तो आलम ये आ गया दोस्तों कि मुझे ही डर लग रहा है, मतलब अक्षय कुमार का, कि यार इसकी फिर मूवी आ रही है अक्षय कुमार की। भाई अभी अगला और वीडियो में अलग क्या बोलेगी अब, मुझे मुझे डर लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक और फ्लॉप ही कैसे बर्दाश्त करेगा। मतलब ऐसा ह्यूमन नेचर, आपको ये लग रहा है कि भाई ये बंदा फ्लॉप पे फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अब देखो सबसे बड़ी बात, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, अगली मूवी अक्षय कुमार की अनाउंस हुई है स्काई फॉल्स, जो मुझे पता था होने वाली है, बट मैं ये सोच रहा था कि यार अब भी मत कुछ करना, 15 दिन बाद चाहे कर देना भाई, हफ्ता पहले टीजर निकाल ट्रेलर निकालो खत्म। फेट चेंज होने वाला है नहीं, फेट इन द सेंस कि मतलब प्री बस वाला फेट, बाद में तो ऑब्वियसली कमेंट नहीं कर सकते, बट स्काई फोर्स 2 अक्टूबर। आज मेरे पास बहुत सारी खबरें अक्षय कुमार के फैंस के लिए, एक बुरी है और एक न्यूट्रल है, एक अच्छी है, और स्त्री पे भी थोड़ी बात करेंगे। देखो यार अक्षय कुमार 2 अक्टूबर को लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म स्काई फोर्स, जिसका थीम है इंडो पाक वॉर अगेंस्ट, हमारा फर्स्ट एरियल फाइट जो हुई थी 1965 की वॉर में, वो वाली थीम है। और अक्षय कुमार एक ऑफिसर बनेंगे और एरियल स्ट्राइक्स वगैरह दिखाएंगे। पॉइंट वो नहीं है भाई, 2 अक्टूबर को हुण नहीं झेली जाएगी, अब नहीं झेली सक झेल सकते भाई, अब झेलो नहीं हो पाएगा। अक्षय कुमार साहब रुक जाओ बंद कर दो अब, ओवर द बोर्ड जा रही है चीजें। और मतलब क्या बोलेंगे यार अब लिटरली। और देखो मैड ऑफ फिल्म्स है जो इन्होंने स्त्री टू प्रोड्यूस करी है, और जिन्होंने छावा, उस छावा को इतना मार्केट कर रहे हैं। आप डिफरेंस देखो कि वो अक्षय कुमार की जो मूवी आने वाली है, जो छावा और स्त्री टू के बीच में, उसको मार्केट ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार के साथ इससे बड़ा कुछ ज्यादा मतलब रिजल्ट आ सकता है कि भाई उनकी फिल्म को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है, पैसा ही नहीं लगाया जा रहा है। ये वैसे गलत बात भी है यार, मतलब जो हो गया बट उतना करना नहीं चाहिए। तो मैड ऑफ फिल्म्स, दिनेश विजन की, अमर कौशिक की मूवी, वो अक्षय कुमार की मूवी में दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मुझे थीम ठीक लग रही है, बट मुझे पता है 2 अक्टूबर वाले दिन आप अगेन वो कुछ, अगर पब्लिक जा ही नहीं रही है ना, तो अब आगे छह आगे वाले 6 महीने 8 महीने साल जाएगी भी नहीं। सेकंड अच्छी खबर अक्षय कुमार की यह है कि सिद्धार्थ आनंद के साथ और मिलन लुथरिया डायरेक्शन में अक्षय कुमार ने एक मूवी के साथ कोलैबोरेट किया है, एक्शन मूवी होगी। मिलन लुथरिया डायरेक्टर, जिनको नहीं पता वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देख लेना, या आप डर्टी पिक्चर देख लेना, तो अच्छे डायरेक्टर उनके साथ। एक राइटर है रजत कपूर, अक्षय कुमार जो ओरिजिनल एक्शन हीरो को, उनकी फिल्म्स में जो हीरो होते हैं वो हीरो नहीं होते, एंटी हीरो होते हैं, जो लॉ को अपने हाथ में लेते हैं। तो अगेन इस बारी भी आपको अक्षय कुमार कुछ ऐसा करते हुए नजर आएंगे, जैसा हमें इमरान हाशमी को देखा है, अजय देवगन को देखा है। हालांकि मिलन लुथरिया की भी पिछले कुछ साल से पिक्चर कोई बहुत जबरदस्त हिट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि सिद्धार्थ आनंद का नाम इसमें है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ आनंद अपनी प्रोडक्शन कंपनी मार्फ्लिक्स में जो मूवीज अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें किंग भी एक पार्ट है शाहरुख की, तो अच्छी लाइनअप रख के चल रहे हैं और क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। और मैं प्रोडक्शन हाउसेस में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो रेफरेंस लेता ना, वो मैड ऑफ फिल्म्स का ही लेता हूं, क्योंकि मैंने सारी उनकी मूवीज देखी है ना, तो लाइनअप बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मार्फ्लिक्स सिद्धार्थ आनंद की जो प्रोडक्शन की ये मूवी जो बनने जा रही है अक्षय कुमार के साथ, इससे मुझे खास कुछ उम्मीद रहेगी एज कंपेयर टू अक्षय कुमार की और जो मूवीज होने वाली है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि शायद 100-150-200 करोड़ लगा के शायद कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा बना दे। बहरहाल एंडिंग नोट पे बॉलीवुड स्त्री टू जबरदस्त कलेक्शन भाई, कल तक 274 करोड़ का कलेक्शन था। ऑक्यूपेंसी इज ऑन नेक्स्ट लेवल, अगर बॉलीवुड को किसी मूवी ने जबरदस्त तरीके से जिंदा किया है तो वो स्त्री टू है। और ये बोलते हुए मुझे दिल से खुशी हो रही है कि ये मूवी ना फ्लूक नहीं है, ये फ्लूक मूवी नहीं है भाई, लोगों का प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। कल 19 करोड़ पे आया था मूवी का, पहला मंडे राखी वाला दिन 38 करोड़, आउटस्टैंडिंग। आज की भी जो कलेक्शन आएगी वो भी अच्छी आएगी, तो ये कल तक 300 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगी और 500 करोड़ की तरफ ये मूवी बढ़ना शुरू कर देगी, विच इज अ ह्यूज 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 अचीवमेंट फॉर अ फिल्म जो इस ड्राई स्पेल में इतना अच्छा बिजनेस करके लोगों को थिएटर तक खींच के लाई। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहना चैनल पे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना, और अपनी राय जरूर ठोकना स्काई फोर्स के बारे में अक्षय कुमार की, क्या आपको लगता है। टेक केयर, बाय बाय।